हे गाइस, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आशीष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर वन का पांचवा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8.2 का एनसीईआरटी क्लास 10th का, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको आसानी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सबसे पहले इसका जितना भी साइन कोस टेन का वैल्यू अगर आपको पता नहीं होगा, अभी तक याद नहीं होगा, तो जा कर के याद कर ले, या हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका से वहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है कि किसका वैल्यू कब कैसे और कितना हो सकता है बिना याद रहे हुए भी, तो उस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले एक अपना जो भी है उसको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइव है, फाइव को लिख लिए, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है। यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना, कॉस और यहाँ पर 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 है, इसका स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है। प्लस 4 है, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सेक का 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, देखिए तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2/√3 है, कितना है, 2/√3। तो 2/√3 का यहाँ पर स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। माइनस टेन का 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए टेन का 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, और 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का थीटा सेम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और नहीं तो चलिए डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए यहाँ पर कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए अब बारी बारी से सबको सॉल्व करते हैं। 5 है, 5 को 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 होगा 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। हम आपको बताए थे सिंपल तरीका से कि यहाँ पर √3 × √3 को कीजिएगा, √9 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, अभी जस्ट हम बताए थे √3 का, तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो समझ गए, अब डायरेक्ट हम आपको आगे लेकर चलते हैं। देखिए नहीं, इससे ये ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा तो 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 के 16/3 हो जाएगा, माइनस 1। अब यहाँ पर नीचे देखिए 1/4 है, अब 1 देखिए हम नीचे डायरेक्ट इसको कर ही लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम 4 होगा, तो ये दोनों का सेम है तो 1 हो जाएगा, इसका भी सेम है तो 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, प्लस 3 से 12 में डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 16 × 64 होता है, 1 से करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 4/4 यहाँ पर डायरेक्ट इसको कटा लेते, 1 है तो 1 को सिंपली तरीका से कुछ वैल्यू नहीं होता है, 1 छिप ही जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 12, देखिए यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5/4 9 हो जाएगा, और 6/1 7 हो जाएगा, माइनस 12/12 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या होता है आगे, तो देखिए इसमें से घटेंगे 7 होगा, ठीक है, 7 होगा, इसमें से यही 7 है, इसमें घटेगा 6/12, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरीका से आप सिंपल ही तरीका से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा शोरगुल हो रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोग से।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका वैल्यू आप निकालना चाहते हैं अगर इसको सोल्यूशन अच्छा तरीका से करेंगे या थोड़ा सा भी मतलब कि गलत नहीं करेंगे तो ये सिंपल तरीका से आपका सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिव जरूर कर देना ताकि नए नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।